कमलेश्वर टीवीएस लाया है दीपावली धमाका, सबसे कम डाउन पेमेंट में ले जाए चमचमाती बाइक, यही नहीं साथ में पाए निश्चित उपहार हाथों हाथ, एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। जरूर पधारे कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड फलासिया, मोबाइल नंबर 9256499328। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रियंका बोली, राजस्थान में भाजपा हिट विकेट है। मोदी जी पूरे राजस्थान में दूरबीन से मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार ढूंढ रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अजमेर के केकड़ी में जनसभा को संबोधित कर रही है। स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रियंका ने कहा कि त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो अभी सफाई जरूरी है। चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा अनुभव क्या है, जो सरकार चल रही है उसने अच्छे काम किए हैं या नहीं, इन सब बातों का हम आंकलन करते हैं। आप सभी हमारी और भाजपा के नेताओं की बात सुने और देखें किसमें कितना वजन है। हाल ही में मोदी जी ने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रनआउट करने में लगे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तो खुद ही हिट विकेट है। राजस्थान में इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये दूरबीन से पूरे राजस्थान में ढूंढ रही है कि हमारा नेता कौन बन सकता है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन अब जब भी मंच पर खड़े होते हैं तो भाजपा के नेता केवल धर्म जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो 18 साल से सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांगते। मैंने जब गहलोत जी से पूछा कि राजस्थान में कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख दिलवाए हैं और 1 लाख प्रोसेस में है, जबकि 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 3.5 साल में केवल 21 रोजगार दिलवाए हैं। मैंने जब गहलोत जी से इंग्लिश मीडियम की पाठशाला के लिए पूछा तो हंसने लगे, तो उन्होंने कहा कि हर जिले में नहीं गांव-गांव में खुले हैं। ये सब काम कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में किया है। केकड़ी जिला बना, हॉस्पिटल बना, तो इसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं।